के शहबाज शरीफ का कमर दर्द खत्म ना हो सका। पीम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, 2 घंटे तक फिजियोथेरेपी की गई है, जबकि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि शहबाज शरीफ की तबीयत ना संभल सकी और सदर मुस्लिम इग्नून शहबाज शरीफ का कमर दर्द बेहतर ना हो सका है, जबकि पीम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना भी किया है। 2 घंटे तक शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपी भी की गई है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा कैसी तबीयत बताई जा रही है शहबाज शरीफ की? जी, ओपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ, उनकी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई, संभल नहीं सकी। उनके जो कमर का दर्द है वो बदस्तूर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस उनकी आज 2 घंटे जो है, पहले 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम होती थी, आज 2 घंटे सुबह उनकी फिजियोथेरेपी हुई है और 2 घंटे भी शाम भी फिजियोथेरेपी होगी। उस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुकम्मल उनको आराम का मशवरा भी दिया है, अदवियात भी दे रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी जो कमर के गिर्द बेल्ट बांधी जाती है ताकि उनकी कमर सीधी रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम अपनी जो रूटीन की मसूफियात हैं वो तर्क कर रखी हैं, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुकम्मल आराम करें कम से कम 5 से 7 दिन, तो वो तभी उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी के आसार पैदा होंगे। इस हवाले से तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में भी, और उनके यहाँ पे जो कैंप जेल है लाहौर, उधर भी इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं कि जो वो वापस आएंगे तो उनको जो है वो उनका जो तिबी जो इलाज मुआवजा चल रहा है उस हवाले से उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। इस हवाले से जो मियां शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो अपनी अदवियात और अपनी फिजियोथेरेपी पूरे टाइम पे करा रहे हैं और उम्मीद है कि 4 से 5 दिन मजीद लगेंगे उनकी तबीयत में बेहतरी आने में। जी अच्छा सलान, ये भी बताइएगा कि कमर दर्द के पेश नज़र क्या कोई ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में ही एडमिट किया रखा जाएगा 4-5 दिन तक? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि अगर उनकी जो टेस्ट उनके लिए गए हैं, कुछ खून के नमूने लिए गए हैं, कुछ ना कुछ कमर दर्द के हवाले से भी उसमें टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके जो उनके मोहरों का मसला है वो आज का नहीं है, बड़ा पुराना है, और इस हवाले से उनके करीबी जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर उनकी 4 से 5 रोज में फिजियोथेरेपी से उनकी कमर दर्द और मोहरों का मसला हल ना हुआ तो उनको फिर शायद अस्पताल में दाखिल किया जा सकता है। इस हवाले से जो है उनकी जो मालिज है उनके लंदन में, उनसे भी रابطہ किया है, हुकूमती ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है। कुछ देर पहले उनका कहना था कि उनसे रابطہ हमने जरूर किया है, इनकी रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन। ठीक है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। अरसलान रफीक भट्टी, बहुत शुक्रिया, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शहबाज शरीफ की तबीयत ना संभल सकी और सदर मुस्लिम इग्नून शहबाज शरीफ का कमर दर्द बेहतर नहीं हो सका। पीम्स अस्पताल की फिजियोथेरेपिस्ट ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है।